हेलो एंड वेलकम टू टुडेज अपडेट। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हम साइबर वॉरफेयर ट्रैक कर रहे हैं उसमें एक नया इंसिडेंट देखने को मिला जो वहाँ की सर टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यूक्रेन की, वहाँ पे उन लोगों ने आइज्ड नाम का एक मैलवेयर देखा। और ये मैलवेयर सोशल इंजीनियरिंग से आता है, यानी फिशिंग यूज़ करता है। टिपिकली कोई आपको रिसेंट इवेंट को यूज़ करते हुए एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल भेजता है और यूज़र को बोलता है कि आप अपने इनेबल कर दीजिए मैक्रोस। मैक्रोस ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और जैसे ही यूज़र मैक्रोस इनेबल करता है, आइज्ड मैलवेयर डिप्लॉय हो जाता है, वो एस्पियोनाज करता है आपके सिस्टम से, सारी इन्फॉर्मेशन स्टील करने लग जाता है। एक सेकेंड इवेंट में कॉन्टाई, जो एक फेमस साइबर क्रिमिनल गैंग है, उनका रैंसमवेयर है, उसने कोस्टा रिका के गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फेक्ट कर दिया है। और वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसके बारे में अपडेट दिया और उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की अटेम्प्ट है। जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं ना, दैट इज़ कम्प्लीटली चेंजिंग। आई मीन गवर्नमेंट, अ कंट्री गेटिंग इम्पैक्टेड इज एट ग्लोबल लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नोट करना है क्योंकि आप अगर हम कंट्रीज और गवर्नमेंट्स इम्पैक्ट हो सकती है तो हम तो नॉर्मल लोग हैं। और वहाँ पे हुआ क्या, इस अटैक में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जैसे फाइनेंस और लेबर मिनिस्ट्रीज हैं, वो हैक हो गए। और उनके जो सिस्टम्स जिनसे वो लोग पेमेंट हैंडल करते हैं, जैसे पेंशन पेमेंट से, वो एक्सेस नहीं हो कर पाए एम्प्लॉयज़, और पेमेंट्स में डिले हो गया। और उससे क्या हुआ, 4 दिन के करीब आउटेज थी और उसमें एस्टिमेटेड है कि $400 मिलियन का नुकसान हुआ है लास्ट वीक। और कंटेनर क्या के बहुत सारे डेटा स्टील करके इंटरनेट पे डाल दिया, और उस डेटा में एम्प्लॉयज़ के या जो भी सिटीजन्स हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और वो डेटा कोई भी फिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा ईमेल आ गया तो कोई साइबर क्रिमिनल उससे फिशिंग ईमेल क्रिएट कर सकता है और मुझे फर्दर इम्पैक्ट कर सकता है। सो कॉन्टैक्ट ने बाय द वे रैनसमवेयर के लिए जो पैसे मांगे, कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। और उन लोगों ने एक डायरेक्टिव साइन किया उस वहाँ की गवर्नमेंट ने कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज में ब्रीच होगा वो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे आप मैंडेटरी कर दें, वरना लोग क्या करेंगे, रैनसमवेयर पे करते रहेंगे और साइबर क्रिमिनल्स मोटिवेट होते रहेंगे। हम लोगों को इंडिया में भी ऐसे लॉज अब इनेबल कर देने चाहिए जिनसे कि डेटा प्राइवेसी के बियॉन्ड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए वन बेस्ट प्रैक्टिसेस डिप्लॉय करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड टूल्स। और साथ ही साथ अगर आपका इंसिडेंट हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए और डायरेक्शन लेनी चाहिए। उसके अलावा लाजरस नाम का एक थ्रेट एक्टर है जो कि नॉर्थ कोरिया लिंक्ड है, और ये क्या है, काफ़ी टाइम से एक्टिव है। और इन लोगों ने क्या किया है कि ऑपरेशन ड्रीम जॉब्स एक्टिवेट कर रखा है। अब ड्रीम जॉब्स क्या होता है, एक ऑपरेशन है जिसके अंदर फेक जॉब ऑफर्स जाते हैं लोगों को और उनको बोला जाता है कि वो मलिशियस लिंक्स को ओपन करें और उससे उनके सिस्टम पे मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, और वो मैलवेयर फिर एस्पियोनेज के लिए यूज होता है। और ये पुरानी कैंपेन से है, 2021 में भी इस तरह के इन लोगों ने इंसिडेंट्स किए थे, और उसमें इन लोगों ने डिफेंस, गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर से जो एम्प्लॉयज थे उनको किया था। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि ड्रीम जॉब्स ये बिकॉज वही टूल्स और वही फाइल्स यूज हो रही है जो पहले पिछले 2 सालों में हुई थी। बट इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने केमिकल कंपनीज को टारगेट किया है और कुछ आईटी कंपनीज जो उन केमिकल कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और क्यों अटैक कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी केमिकल का फॉर्मूला है जो उनको इंटरेस्टेड है उसको बेच के और पैसे कमा सके, उसके लिए वो लाजरस ग्रुप कर रहा है। उसके अलावा इसी ग्रुप और सिमिलर ग्रुप से नॉर्थ कोरिया फंडेड है, उन्होंने ब्लॉकचेन कंपनीज जो हैं वर्ल्ड वाइड उनको हैक करना चालू कर दिया है, उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो यूएस की साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसीज है उन लोगों ने वार्निंग रिलेट इशू किया रही है, और इसमें 2 ग्रुप्स का नाम लिया उन्होंने, लाजरस और APT-38। और APT-38 का स्पेशलाइजेशन है फाइनेंशियल साइबर ऑपरेशन में, यानी ऐसे हैक्स जो जिसमें वो फेमिलियर हैं फाइनेंस सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से। और जो APT-38 है ये 2014 से एक्टिव है, जो बैंक्स को टारगेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को टारगेट करता है, कैसिनोज को टारगेट करता है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को करता है, स्विफ्ट सिस्टम्स जो कि बैंकिंग में यूज होते हैं उनको करता है,
इंटर कंट्री ट्रांसफर्स के लिए और ATMs को करते हैं। 38 कंट्रीज में इनके अटेम्प्ट पहले भी हो चुके हैं। इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अब तक नोन है वो 2016 में बैंक ऑफ बांग्लादेश में हाइस था, उन्होंने 81 मिलियन डॉलर स्टील कर लिए थे। तो जैसे मनी हाइस सीरीज है उसी तरह इन लोगों ने ऑनलाइन 81 मिलियन डॉलर डील कर लिए थे। तो आपको आजकल फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है हैक करने के लिए। उसके अलावा बैंको मैक्स एक मैक्सिको का स्टेट एंड स्टेट ओन बैंक है, यानी गवर्नमेंट ओन बैंक है, और बैंको द चिली है जो कि चिली का एक बैंक है, उनको भी इन लोगों ने हैक किया है। ओके, और नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं पहली बार नहीं कर रहे, और ये करते इसलिए क्यों, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस है, तो जिस कंट्री पे सैंक्शंस है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, इम्पोर्ट भी उसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप पैसे कैसे जनरेट करेंगे, आप हैकिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये जिन कंट्रीज पे सैंक्शंस हैं उनके लिए ये कॉमन मेथड बन जाता है पैसे जनरेट करने के लिए। और अब इन लोगों ने क्या किया है, पिछले 1-2 सालों में जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर डेवलपमेंट हो रहा है या क्रिप्टो करेंसी जो डेवलप कर रही है उनमें साइबर सिक्योरिटी पे स्ट्रिंजेंट सेटअप नहीं होते हैं, स्ट्रांग सेटअप नहीं होते हैं, तो वो उस पर अटैक करती है। और इन लोगों ने इन कंपनीज के अलावा जो प्ले टू अर्न गेम्स होते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज होती है, वेंचर कैपिटल फंड है जो कि क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, और कोई भी ऐसे इंडिविजुअल जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, NFTs ओन करते हैं, उनको हैक करना चालू कर दिया है। ओके, March 29th को रोनी नेटवर्क जो एक बहुत पॉपुलर डिफाई प्लेटफॉर्म है एक्सी इन्फिनिटी से रिलेटेड, उन लोगों को हैक किया गया और उन्होंने वहाँ से $540 मिलियन के वर्थ एथेरियम और स्टेबल कॉइन नाम की करेंसी है उसको स्टील किया। ओके, और बाद में ये फंड्स कहाँ गए, टोर्नाडो कैश। वो टोर्नाडो कैश क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी मिक्स कर देता है, उससे क्या होता है आपके एड्रेसेस इथेरियम वॉलेट के एड्रेसेस वो गैप हो जाते हैं, गैप इन द सेंस यू मिक्स हो जाता है, इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेस इट, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो रिपोर्ट्स अवेलेबल है, आप प्लीज़ गूगल करिए टोर्नाडो कैश के बारे में कि कैसे वो टेक्नोलॉजी काम करती है, और लाजरस ग्रुप के बारे में। उसके अलावा एक और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म है एलिफेंट मनी, जो कि एलिफेंट टोकन और ट्रंक स्टेबल कॉइन के लिए पॉपुलर है, वहाँ से कल $11 मिलियन की बिनांस कॉइन्स चोरी हो गए हैं। okay, बहुत सारे जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनीज हैं उन लोगों ने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, आप डिटेल्स देख सकते हैं, बट ऑन अ हाई लेवल प्राइस मैनिपुलेशन अटैक था और उसके थ्रू हैकिंग हुई है। अब जब ये सब हो रहा है तो US ने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ कोरियन साइबर ऑपरेटर्स के लिए ना एक बाउंटी निकाली है $5 मिलियन की। वो बाउंटी में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस नहीं है बट मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, लग्जरी गुड्स जो एक्सपोर्ट हो गए नॉर्थ कोरिया के, साइबर स्पिनाच है, और उनके लिए उन्होंने अवार्ड्स निकाले हैं। तो ये पब्लिक नोटिफिकेशन अवेलेबल है, तो आप देखिए किस तरफ जा रही दुनिया। एक साइड हम देख रहे हैं कि कंट्री को डिसेबलाइज किया जा सकता है, छोटी कंट्रीज को, एंड आई एम श्योर बड़ी कंट्रीज को भी किया जा सकता है। यूक्रेन में इलेक्ट्रिकल ग्रिड चली गई, कोस्टारिका हो गया, एंड ये सारी न्यूज़ जो पब्लिक है, बहुत सारी न्यूज़ पब्लिक भी नहीं होती है। दूसरी तरफ जो कंट्री सैंक्शनड है वो हैक करना चाहती हैं ताकि वो इनकम जनरेट कर सकें। ओके, तो वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड इन द नेक्स्ट हैक टी मोबाइल जो एक फेमस टेलीकॉम कंपनी है उसने कन्फर्म किया है कि लैप्सस ग्रुप ने इन्हें हैक किया। लैप्सस थ्रेट एक्टर ग्रुप है जो, अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड्स में मैंने कवर किया था कि उनके 7 मेंबर्स अरेस्ट हो गए थे ब्रिटेन में, और उन लोगों ने क्या किया कि अरेस्ट के पहले, डिसस्पेक्टेड कि अरेस्ट के पहले वो लोग हैक कर चुके थे, और उन्होंने कोई डायरेक्ट हैकिंग नहीं की, उन्होंने क्रेडेंशियल्स खरीदे। ओके, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे रशियन सेक्टर और जेनेसिस हैं, ये स्टोलन क्रेडेंशियल्स सेल करते हैं। क्रेडेंशियल्स कहाँ से स्टील होते हैं, आप यूज़र्स को फिश करिए, फिश उनके या तो वो खुद ही अपने पासवर्ड लॉगिन्स दे देंगे या मैलवेयर कैप्चर कर लेगा, और वो डेटा सारा सेल किया जाता है। आप कोई भी हैकर साइबर क्रिमिनल उसको खरीद सकता है एंड और उससे वो फर्दर इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है। ओके, तो लैप्सस ने क्या किया, टी मोबाइल के जो स्लैक और बिटबकेट अकाउंट्स होते हैं, तो स्लैक एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिससे एम्प्लॉयज आपस में बात कर सकते हैं, और जो कोई भी जो स्लैक वेबसाइट पे स्लैक के टूल पर रजिस्टर है अकाउंट से उस पर बात कर सकते हैं। और बिटबकेट एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यूज़ करते हैं उसको,
तो उसको लोगों ने एक्सेस कर लिया था और उन्होंने 30,000 कोड रिपोजिटरीज एक्सेस करी हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। उस कोड का क्या किया, क्या हो सकता है, दैट इज स्टिल अनोन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके अलावा ब्लैक कैट एक नाम के एक रैनसम ग्रुप है जिसने करीब 60 ऑर्गेनाइजेशन पे हैक कर लिया है, और वो रैनसमवेयर से एक्सटॉर्ट करने में लगे हुए हैं। उनके जो पुराने फेमस विक्टिम्स थे वो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नॉर्थ कैरोलिना A&T यूनिवर्सिटी थी, और ये पिछले साल ही एक्टिव हुआ। और अपने विक्टिम्स की डिटेल्स बहुत पब्लिक करते हैं ये लोग। और उसके बाद वो लोग इसमें कॉमनली क्या होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ढूंढ लेंगे, और AD जो एक्टिव डायरेक्टरी जैसे यूजर के रिकॉर्ड्स मैनेज होते हैं कंपनीज में, उसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वो विंडोज़ के नेटिव जो टूल्स आते हैं मैनेजमेंट के लिए, उनको यूज़ करते हैं डेटा स्टील करने के लिए। साथ ही साथ एक थ्रेट एक्टर है गोल्डन चिकन, जिसका दूसरा नाम वेनम स्पाइडर है। उन्होंने क्या किया है कि रिज्यूम्स के अंदर मैलवेयर डालना चालू कर दिया है, और इट जस्ट लाइक ऑपरेशन ड्रीम जॉब जैसे मैंने बात करी थी। इसको हम वेपनाइज जॉब ऑफर भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको डेटा भेज सकते हैं ताकि, सॉरी, मलिशियस ईमेल भेज सकते हैं ताकि उनसे स्पिनाच फर्दर कर सकें। ऑन द गुड साइड, DHS डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी US ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पहली बार चालू किया जिसका नाम था हैक DHS। उन्होंने कुछ अपने पब्लिक फेसिंग सिस्टम्स में को रखा और एक्सपोज किया और बोला कि आप इसको हैक करके दिखाइए, और उन्होंने उसमें एक अराउंड 125,000 डॉलर्स का अवार्ड भी रखा। और उनको इस ऑपरेशन की वजह से कुछ 120 साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज मिली है, एक्सटर्नल हैकर्स रिपोर्ट करी है। लास्ट ईयर दिसंबर में लॉन्च किया था। वेरी गुड, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड हाउ प्रोग्रेसिवली दे आर थिंकिंग टू फाइंड इश्यूज। तो हैकर्स ढूंढने से पहले आपके लोग ढूंढ के आपको बता सकते हैं कि इश्यूज क्या हैं, और दूसरा क्या है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने US की, सॉरी, रशिया की एक क्रिप्टो माइनिंग जाइंट है बिटरिवर को सैंक्शन कर दिया है। तो अगर आपको याद हो तो यूक्रेन और रशिया के जब वॉरफेयर स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शन कर दिया, आप उन्हें कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं बेच सकते, एसेंशियली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंड है। एंड इसमें क्या है कि बिटरिवर, और क्या आप सोच रहे होंगे क्या रिलेशन है, तो बिटरिवर करता क्या है, वो ऑफिशियली लीगल लेवल पे आपको क्रिप्टो माइनिंग में हेल्प करता है। तो वो सर्विसेज ऑफर करते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उनके कुछ ऑफिसेज हैं रशिया में, चाइना, जापान, UAE, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड USA, और कुछ 200 स्टाफ काम करते हैं। रशिया में बहुत बड़ा सेटअप है, वो वेदर को यूज़ करते हैं, बहुत ठंडा है वहाँ पे। तो आपका जो हार्डवेयर है क्रिप्टो माइनिंग में यूज़ हो रहा है वो गर्म नहीं होता, तो आपकी कॉस्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाती है। नाउ तो क्यों बैन किया, क्योंकि बिट रिवर या कोई भी क्रिप्टो माइनिंग कंपनी हेल्प कर सकती है क्रिप्टो करेंसी माइन करने में, जिससे आप फंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, ईरान ने करीब सैंक्शन लगने के बाद $1 बिलियन की क्रिप्टो माइनिंग करी है, ठीक है। और ओफैक नहीं चाहता, कि जिसका नाम है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, US ट्रेजरी का पार्ट है, कि बिट रिवर जैसी वापस कंपनीज हेल्प कर सकें इन कंट्री सैंक्शन कंट्रीज को फंड जनरेट करने में। तो बिट रिवर ऐसे नहीं कि उस मलेशिया सब प्रोवाइड कर रहा है, बट क्योंकि वो उनकी प्रेजेंस रशिया में है तो US ने लिया है इस तरह का स्टेप। और ऐसे बट उनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, तो जर्मन कंपनीज भी बिटरिवर को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड जबकि बिटरिवर के जो CEO हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई हम कोई इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं है, तो देखिए क्या होता है। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग, अगेन लाइक नॉर्थ कोरिया, रशिया यूजिंग क्रिप्टोज टू माइन टू मेक मनी जब सैंक्शंस लगी हैं, राइट। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, सोफोस नाम की कंपनी है जिन्होंने एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है Sock.OS, उसको एक्वायर किया है। तो सोफोस पहले एक समझते करती क्या, सोफोस एंड पॉइंट सिक्योरिटी में बहुत पॉपुलर है। उनके नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के प्रोडक्ट आते हैं, मैसेजिंग ईमेल सिक्योरिटी के आते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए भी आते हैं। और Sock.OS सर्विसेज कंपनी है जो कि 2020 में फाउंड हुई थी, और वो BAE नाम की कंपनी का स्पिन आउट था, बी
सिस्टम्स डिजिटल इंटेलिजेंस का। तो इससे क्या होगा, सॉक डॉट ओ एस के एडिशन से कि सोफोज विल हैव अ सर्विसेज आर्म, तो प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज देना काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड हो गया है कंपनीज के बीच में। तो दैट्स एन एक्विजिशन। नाउ इन टर्म्स ऑफ नॉन साइबर सिक्योरिटी, बाकी टेक वर्स में क्या हो रहा है, अगर आपने सुना हो तो एलॉन मस्क ने ट्विटर की बिड करनी चाहिए थी, तो इस वीक उन्होंने क्या किया कि 46.5 बिलियन डॉलर की फंडिंग अप्रूव कर ली। उसमें 25.5 बिलियन डॉलर वो बैंक से ले रहे हैं, जिसमें मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज नाम ऐसे और कुछ बैंक है जिनका ग्रुप बना है, और 21 बिलियन डॉलर्स वो इक्विटी में देंगे। इक्विटी यानी शेयर्स, जो टेस्ला के भी हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, जो भी ये ग्रुप अप्रूव करेगा, राइट। एंड साथ ही साथ हुआ क्या है कि गूगल ने कॉल रिकॉर्डिंग एप्स बैन कर दिए हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट आई थिंक दे हैव अपडेटेड देयर पॉलिसी। अब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर, उसको कॉल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी एंड्रॉयड फोन्स पे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आज एक नया टॉपिक मैंने ऐड किया जिसका नाम है फ्रॉड 101। तो फ्रॉड होता कैसे है, राइट। सो सबसे पहले फ्रॉड एज ए सर्विस क्या है। तो कोई भी फ्रॉड करने के लिए आप डायरेक्ट कर सारा एंड टू एंड स्कीम बना सकते हैं, या कुछ लोग इसको एज अ सर्विस देते हैं। पहले क्या होता था, या अभी भी है कुछ जगह, पहले ज़्यादा पॉपुलर था जब तक मैसेजिंग ऐप्स नहीं थी, कि लोग ना एड्स देते थे, हैक साइबर क्रिमिनल्स सोशल नेटवर्क्स पे, डार्क वेब फोरम्स पे, डार्क नेट फोरम्स पे ऐड देते थे। ये डार्क वेब, डार्क नेट फोरम्स यानी जो आप गूगल के थ्रू सर्च नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए किन वेबसाइट्स के एड्रेसेस पे जाना है। अब क्योंकि मैसेजिंग ऐप पिछले 2-3 सालों में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, जैसे टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, इस पे एड्स आने लगे हैं, इस पे ग्रुप्स हैं, ठीक है। हज़ारों साइबर क्रिमिनल्स अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, इसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अपडेट्स आ रही हैं, और ये कोई इंडेक्स नहीं करता मैसेजिंग ऐप्स। सो दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या हुआ कि डार्क वेब पे FBI है, बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जो साइबर क्राइम ट्रैक करती हैं, उन लोगों ने सर्विस को शट डाउन करना चालू किया था। मगर टेलीग्राम है, कोई भी मैसेजिंग ऐप है, उसको आप कैसे शट डाउन करेंगे, जेन्युइन यूजर्स भी यूज़ कर रहे हैं उसको। डार्क वेब हमेशा साइबर क्रिमिनल्स ही यूज़ करते थे, तो उसको शट डाउन करना आसान है, आप वारंट लाइए किसी भी कंट्री में और शट डाउन कर दीजिए। टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड है, बच्चे भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं जेन्युइन पर्पसेस के लिए, राइट। मगर उसको हैकर्स भी, साइबर क्रिमिनल्स भी यूज़ करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो वो लोग रैंसमवेयर एज ए सर्विस, जो स्टोलन यूजर अकाउंट्स हैं, की लॉगर्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, बैंक यूजर नेम पासवर्ड, वो सब सेल करते हैं। तो अभी एक रिसेंटली एक नया फ्रॉड आया है जिसके अंदर वो BNPL प्रोवाइडर्स, BNPL प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, बाय नाउ पे लेटर। ये क्या करते हैं कि आप जब भी कोई ई कॉमर्स साइट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको ऑफर देते हैं कि आप बाद में पेमेंट कर दीजिए, ओके। और इसके दो रीजन होते हैं, अगर या तो इंटरेस्ट पे पेमेंट कर सकते हैं बाद में, या वो कुछ और आपको बाद में सर्विस बेचेंगे, तो यू नो जस्ट टू लेवर यू टू सेल सम सर्विस इन फ्यूचर, इस तरह से काम करती है। तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों ने टेलीग्राम फोरम साइट्स पे फ्रॉड के जो टॉप फोरम्स हैं, उन पर एडवर्टाइज करना चालू कर दिया है कि हम आपको स्टोलन क्रेडेंशियल्स भेज रहे हैं बहुत सारी रिटेल वेबसाइट्स का, डेट क्रेडिट कार्ड। तो आप क्या करिए, ये वर्किंग क्रेडेंशियल्स को आप यूज़ करिए, ई कॉमर्स वेबसाइट पे डेट क्रेडिट कार्ड डालिए और BNPL चूज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको पेमेंट कुछ नहीं करना आज की डेट में, आप अपना सामान आपको डिलीवर हो जाएगा, ओके। तो आपकी ट्रांजेक्शन अप्रूव, लॉगिन अप्रूव, आपका सामान डिलीवर हो गया, और इस तरह से काम कर रहे हैं। सो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकती है BNPL कंपनीज, वो अगर फ्रॉड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स आते हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह की चीज़ें चेक करती है और हिस्ट्री देखती है अकाउंट की, पहले क्या ऑर्डर प्लेस कर, क्रेडिट कार्ड का वैलिडेशन करती हैं। तो अगर BNPL प्रोवाइडर्स वॉल्यूम ग्रो करने के अलावा, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ग्रो करने के अलावा, साइबर सिक्योरिटी भी की वैलिडेशंस भी चेक कर लेंगे ना, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर देम। सो बहुत पैसा बच सकता है उनका, जो कि बाद में फ्रॉड में जाएगा, राइट। सो दैट, थैंक यू सो मच, आई एम थैंकफुल टू ऑल दी सोर्सेज दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस कॉन्टेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।